खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। जो जो माहौल है वो इस समय तनावपूर्ण बना हुआ है। करावल नगर की अगर बात करें या मदनपुरा की अगर बात करें या मोदपुर की अगर बात करें तो तमाम जगहों पे जो आगजनी की घटनाएं हैं वो कुछ देर में सामने आ रही है। कुछ देर में बात करें तो गोकुलपुरी में बीते रात से ही लगातार माहौल था वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो मार्केट है वो उसको जलाने का खास मार्केट में आग घटना कौन दिया गया था। वही आज सुबह भी कई मोटरसाइकिलों को आगजनी का अंजाम दिया गया और मोटरसाइकिलों में आग लगाई गई। लगातार तरीके से यह माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। हर कोशिश किए अगर अर्धसैनिक बल जो है तादाद में यहाँ पर आया गया है। वही दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे कि जल्द से जल्द जो हालात है उसको काबू में किया जाए। लेकिन लगातार जो आगजनी की घटनाएं हैं वो यहाँ पे सामने आ रही हैं। वही पत्थरबाजी की घटनाएं सबसे ज्यादा यहाँ पे सामने आ रही है। भजनपुरा और साफराबाद की अगर बात करें तो दोनों ही जगह पे या मोदपुर की अगर बात करें तो इन सभी जगहों पे लगातार जो दोनों तरफ से तो पत्थरबाजी की घटनाएं जो है लगातार हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हालात है वो काफी जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं। बेहद ही बेकार जो यहाँ पे हालात है वो बने हुए हैं। ऐसे में कई परिवार जो हमें मिले हैं जो जाफराबाद के या मदनपुरा के रहने वाले थे जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। कई मुरादाबाद या बिजनौर या रामपुर के रहने वाले जो लोग हैं वो जो यहाँ पे फैक्ट्रियों के अंदर काम करते थे लेकिन इस तरीके के जो हालात है वो तनावपूर्ण बने होने की वजह से लगातार जो पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में वो सभी परिवार यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं। वो अपने जो मूल निवास है वो वहाँ पे जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो यहाँ के हालात है वो बहुत ही यहाँ पे तनावपूर्ण है तो वो ऐसे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, काफी गंभीर है जिससे कि उनके परिवार को कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर उन लोगों के द्वारा इस तरीके से कदम उठाया जा रहा है। वही लगातार जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो जो सिचुएशन है उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अर्धसैनिक बल जो है लगातार जो संवेदनशील जगह है वहां पर मौजूद है। लगातार जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है ऐसे में दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे तुरंत पहुंच रही है जिससे कि जल्द से जल्द जो आग की घटनाएं हैं उन पर काबू पाया जा सके। लेकिन पिछले अगर 36 घंटे की बात करें तो लगातार पूरी दिल्ली के इन तमाम जगहों पे 10 जिलों में 1244 अगले एक महीने के लिए लगाई गई है और केवल यही वजह है कि यहाँ पे जो भारी तादाद में जो लोग मौजूद हैं उसको जल्द से जल्द यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हालात है और जो CAA MRC का समर्थन और तनावपूर्ण स्थिति है और इसीलिए पुलिस फोर्स को भी उतारा गया और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए